हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक को लेकर। एंड इस स्टॉक में काफी ज्यादा लोग परेशान है। एंड पता है रीजन क्या है इस परेशानी का? रीजन ये है कि उनके बेचने के बाद स्टॉक गिर नहीं रहा है। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा रीजन होता है। एंड सबसे ज्यादा पेनफुल चीज जो है स्टॉक मार्केट में, लोगों को यही लगती है कि यार हमारे खरीदने के बाद स्टॉक गिरने लगा, मेरे बेचने के बाद स्टॉक बढ़ने लगा। ये मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम होती है स्टॉक मार्केट में। कैसे इससे ऊपर आए एंड अपनी पोजिशन को कैसे मेंटेन करें, इसके बारे में मैं बात करूंगा। अगर टाटा पावर का स्टॉक आपके पास है तो आपको क्या करना चाहिए, एंड अगर आपने फिलहाल बेचा है, मेरे कहने से ही बेचा है क्योंकि मैंने भी स्टॉक पे सेल रिकमेंड कर दिया था जब 200 के नीचे निकला था, अभी भी अराउंड 202 पे ट्रेड कर रहा है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। हालांकि कल के सेशन में मुझे मेरे व्यूअर्स ने काफी उल्टा सीधा बोला है। मैंने लास्ट में रात में एक अपडेट दिया, देन टाटा पावर पे ही वीडियो बनाई दोबारा, एंड दोबारा आप सभी के लिए मैंने अपनी व्यू रखा। हालांकि गुस्सा तो बहुत आता है, बट क्या करें, आप लोग ही हो जो हो। तो टाटा पावर का स्टॉक अगर अभी भी आपके पास है या आपने बेच दिया है, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग जैसे आपने करा बेचा तो क्या आप करना चाहिए, सारी क्लेरिफिकेशन मैं दे दूंगा, एंड होप आपके लिए बेनिफिशियरी लगे यार, बस सिंपल सी बात है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए यार, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो ध्यान से सुना करिए। एंड ए टू जेड चीज, सिर्फ ये नहीं बेचने को बोला है एंड कौन से लेवल पे बेचने को बोला है आपने सुनाई नहीं। मैं बोल रहा हूँ 200 पे बेचना है, आप बेच रहे हो 190 पे, तो गलत हो जाएगा फिर तो यार, बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान से सुना करिए एंड अगर रिएक्ट करना है तो तुरंत किया करिए उस चीज पे, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। 202 के लेवल्स पे टाटा पावर अभी ट्रेड कर रहा है। 1.1 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। 199 का आज का लो, 204.60 का आज का हाई है। 3.3 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। मार्केट की बात करें तो 142 पॉइंट्स मार्केट टैंक हो चुकी है, यानी गिर कर ट्रेड करती हुई दिख रही है इस समय आप सभी को। अब आपके लिए जो पोजीशन बनती है इस स्टॉक में, वो कैसे मैंने आप सभी के लिए पोजीशन बनाने के लिए कहा था, मंडे पे चलते हैं वापस। मैंने आपसे क्लियरली कहा स्टॉक में बड़ी गिरावट आई, लगभग 10-15 रुपए सिंगल डे में करेक्ट हुआ था। मैंने आप सभी से कहा, एंड मेरे व्यूअर ने कहीं ना कहीं मुझे कमेंट करा था कि सर टाटा पावर 200 के नीचे चला गया, क्या इसे निकाल दें। मैंने एग्जैक्टली उसी टाइम वीडियो बनाई, एंड मैं आपके कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूं, आपको रिप्लाई हमेशा देता हूं, वीडियो या शॉर्ट बनाता हूं आपके जो भी कमेंट्स आते हैं। तो उसी टाइम मैंने वीडियो बनाई है, मैंने आपसे कहा कि सारा माल बेच दो टाटा पावर में, एंड जो स्ट्रेटेजी वो दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। मैंने आपसे कहा 200 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 199 पे बेच दो, हमें इस स्टॉक में दोबारा एंट्री लेनी है 200 रुपए के ऊपर। स्टॉक 199 पे बेचने के बाद 191 तक गया, 7-8 रुपए स्टॉक गिरा है, लगभग 5% सेलिंग के बाद तुरंत 5%। अब लोगों ने ये नहीं देखा हमारे बेचते ही स्टॉक गिर गया। अब वो 199 वाला जब नेक्स्ट डे मार्केट में 300-350 पॉइंट्स की तेजी आई, वो दोबारा ऊपर आया, 202 हो गया। मैंने आपको सेल कब करने को कहा, 199 को। स्टॉक कहां गया, 202। कितना पॉइंट्स का मार्जिन का गैप है, 3 रुपए का, बस 3 रुपए का गैप ना। वहां लोगों ने ट्रोल कर दिया, अभी भी स्टॉक 202 पे ही ट्रेड कर रहा है। अब मैं पुरानी बात को छोड़ता हूं, अभी आता हूं नई बात पे। सबसे पहले तो 199 पे बेचने का मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि 200 के ऊपर हम दोबारा खरीद लेंगे। अब जिसने दोबारा बाय कर लिया है उसके लिए तो एक जो एसएल रह गया स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, वो 191 का हो गया, जो कि हमने क्या सोचा था कि जो भी लो लगेगा हम उसके एसएल के साथ अब होल्ड करेंगे। एंड अभी तक अगर किसी ने बाय नहीं करा है एंड सेल कर दिया है, या फिर कोई बाय करना चाहता है या सेल करना चाहता है, तो उसके लिए मैं लेवल्स देता हूं फ्रेश। सबसे पहले तो अगर आपको खरीदना है तो चार्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, स्टॉक में 210 के ऊपर ब्रेकआउट होगा, एंड जो ये नेगेटिविटी हुई है वो कहीं ना कहीं फिजल आउट, और आप एक तरीके से इसे फॉल्स ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं अगर 210 रुपए के ऊपर क्लोजिंग मिली तो। एंड परफेक्ट अगर बोलूं एकदम एग्जैक्ट लेवल, तो 211.80 का परफेक्ट लेवल है, उसके ऊपर स्टॉक की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी एंड स्टॉक दोबारा से आपको ऊपरी रेंज में आता हुआ दिखेगा, 220-230 वाली, एंड फिर वो नॉर्मल रूटीन में ट्रेड करने लगेगा जैसे करता था, ठीक है। ये जो ब्रेकडाउन हुआ है वो फॉल्स ब्रेकडाउन हो जाएगा एक तरीके से चार्ट्स पे। इन केस अब इस स्टॉक में क्या अभी भी नेगेटिविटी है, क्या अभी दोबारा गिर सकता है, इसका जवाब बिल्कुल हाँ और बिल्कुल यस है, क्योंकि ये स्टॉक में जो ब्रेकडाउन हुआ है वो काफी बड़ा हुआ है, चार्ट्स पे काफी नेगेटिव बन चुका है ये स्टॉक। एंड इस स्टॉक के मैं नीचे के लेवल्स दूं आपको, तो मुझे अगर ये दोबारा 200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हुआ, अभी 202 पे ट्रेड कर रहा है, 200 के नीचे जैसे ही गया और ट्रेड करना स्टार्ट हुआ, तो ये स्टॉक 170-180 की तरफ जा रहा है। अब आपकी
क्या इच्छा है, अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्या आप 10 पॉइंट और छोड़ सकते हो इस स्टॉक में एंड प्रॉपरली 211.80 के ऊपर बाय करते हो चार्ट्स के अकॉर्डिंग, तो बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है यार मैंने गलत बेच दिया मेरे कहने से, या आपको ही आपको टाटा पावर बहुत फेवरेट है, तो दोबारा खरीद लो यार, मैं इसमें अब कुछ कर नहीं सकता हूं। अगर आपको चार्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं, आपको अपने हिसाब से दोबारा बाय कर सकते हो। एंड अभी आपका 3 रुपए पर शेयर का लॉस हुआ है मैक्सिमम। एक हमारे व्यूअर है जिन्होंने कहा आपकी सर वीडियो 199 पे शेयर का था, मैंने 191 पे बेचा, अब आप 4% नीचे बेच रहे हो कहने के बाद, अब इसमें आपने 4% का तो पूरा लॉस ले लिया। अब 202 पे ट्रेड कर रहा है, 4% और ऊपर आएगा तो कहीं ना कहीं ब्रेक आउट होगा स्टॉक में। अब आप 8% का स्टॉक छोड़ के गए हो, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता है। प्लीज पूरी बात को ध्यान से सुना करिए। अभी भी मैं आपसे कहूं आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अभी आपने बेच दिया तो अभी खरीदने की जल्दबाजी ना करो। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है, और अगर इनकेस 211.80 पे ऊपर निकलता है तो उसमें दोबारा आप बाइंग बना लेना, एंड बिना किसी से पूछे, बिना किसी से सुने, बिना मेरी वीडियो के ही आप बाय बना लेना, क्योंकि मैं उसके बाद वीडियो बनाऊंगा एंड बाय की रिकमेंडेशन दे दूंगा। इसका यह मतलब नहीं कि मैं पलट गया, सिंपल सी बात है, चार्ट जैसे काम करते हैं हमारा व्यू वैसे ही बनता है। अभी मुझे नेगेटिव ही दिख रहा है ये स्टॉक। ये थी आपके लिए पूरी मेरी वीडियो, होप आपको शायद इस बार समझ में आ गया होगा। मैं फिर एक बार रिकमेंड कर रहा हूं 211.80 पे ही इसमें स्टॉक में तेजी बनेगी, एंड जो नेगेटिविटी है वो फॉल्स ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड ऊपर आ जाएगा दोबारा। अदरवाइज अभी स्टॉक नेगेटिव ही दिख रहा है, 200 के नीचे जैसे ही गया स्टॉक और ट्रेड करना स्टार्ट हुआ 180 की तरफ जा रहा है स्टॉक। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आएगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।